और मैं इस चीज को फिर बोल रहा हूं आपको, आपको किसी के मोटिवेशन की नीड नहीं है। ये नीड नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं या कोई आपको मोटिवेट करे। डेली मोटिवेशन लेक्चर देख के फायदा नहीं होगा बेटा। रियल टाइप की मोटिवेशन कैसे आएगी? जब आप अपने पेरेंट्स के फेसेस को देखेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन, जब आप उनकी आंखों में रियल में एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं आपसे, वो आपके लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, वो रियल मोटिवेशन है। उसके अलावा कहीं और से मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन एक्चुअल में खुद के मार्क्स देखो, कमाए, अच्छा करने की उम्मीद लगाओ। और दूसरा आप कैसे लाओगे? अपने पेरेंट्स को देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता भी हूँ ये बात कि जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर होते हैं, पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर, उस समय उनका फेस देखो, और जब वो आप एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं उस समय उनका फेस देखो, तो आपको समझ आएगा कि उनके फेस पे एक क्वेश्चन होता है कि बेटा जो आपने टाइम लिया इतना सारा, उसमें आपने क्या किया। वो फेस कोई बच्चा देखना नहीं चाहता। अगर एग्जाम खराब हुआ है तो वो फेस जो होता है उसमें उनको लगता है कि यार कैसे हम मतलब अवॉइड कर जाएं, हम ना देखें उनकी तरफ, क्योंकि वो देखने की हिम्मत नहीं होती। तो सही मोटिवेशन बेटा वहीं से आएगी। उस चीज को याद करो और उसके लिए वर्क करो, क्योंकि अगर आप रियल में डेली नहीं पढ़ोगे, प्रॉपरली प्लानिंग से नहीं पढ़ोगे, वो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे शॉर्ट प्लान में बना के दूं कि 50 घंटे में बायो, 30 घंटे में फिजिक्स, 20 घंटे में केमिस्ट्री, इन प्लानिंग से नहीं होता है बेटा। आपको खुद करना पड़ेगा। सिलेबस पूरा करोगे तभी मार्क्स आएंगे। क्लियर? वहां पर एरर होना ना होना ये आपकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस आपकी प्रैक्टिस। लेकिन अगर नॉलेज पूरी नहीं है तो 100% एरर होगा। नॉलेज पूरी होने के बाद फिर एरर के चांसेस हम देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्लियर? तो मोटिवेशन के लिए आपको मेरे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। मैं डेली आपको 15 मिनट लेक्चर दूं मोटिवेशन का, वो नीड नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए। क्लियर? किसी के मोटिवेशन की नीड नहीं है। मैं आपको कोई अमेजिंग प्लान नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं डेली का काम डेली फिनिश करना है। सिंपल तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि कट ऑफ देख के बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा यार अब तो ऐसा पढ़ दें हम कि कुछ हो जाए। डेली पढ़ो भाई, अपने आप हो जाएगा। कट ऑफ ऊपर उन्हीं बच्चों की गई है जिन्होंने मेहनत करी है, और उनका एग्जाम खराब हुआ है जो लास्ट में जिनको टाइम मिला और उन्होंने उसके बाद भी उसको यूटिलाइज नहीं किया, उनका एग्जाम एक्चुअल में खराब हुआ है। क्योंकि अगर आप डेस्परेशन से लास्ट मोमेंट तक लगे हुए, आपको वो सीट चाहिए, आपको करना है, आपका मन है। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, मोटिवेशन का ओनली तरीका उन लोगों से आएगा जो आपके सबसे क्लोज हैं, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि वो फेस बहुत खराब होता है कि एग्जाम सेंटर के बाहर आपके पेरेंट्स उस एक्सपेक्टेशन के साथ 3 घंटे वो बैठे रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि मन में फील करते हैं कि क्या, और फिर आप जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो वो रियल में फेस कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज एफर्ट करो, सही से पढ़ोगे बिल्कुल पॉसिबल है।